हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों एक और शानदार वीडियो ले आया हूँ, थोड़ी सी फनी भी है, देखना ज़रूर है। आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फुल बेटर एक्सपीरियंस ऑलरेडी। दो के एंड तक मैं वहां पे सेक्टर कमांडर था किश्तवाड़ में, और मेरे सामने मैंने वहां जाके कैंपेन शुरू किया। मैंने कहा मेरे प्यादा नहीं, मेरे को चाहिए किसी प्यादे की लाश नहीं। एक प्यादा मरता है, 10 बेचारे बच्चे को वहां से कोई खड़ा करके ले आता है क्रिकेट के बहाने। मुझे उनके टॉप कमांडर चाहिए, मुझे खासतौर पाकिस्तानी चाहिए जो बिना वीजा बिना पासपोर्ट मेरे देश में आए। कोई रंडी कह रहा है ये? कोई रंडी कह रहा है? और जनाब क्या चल रहा है? ये कोई रंडी कह रहा है? गाड़ी भगेगी अब ताबड़ तोड़, बहुत हार्ड नहीं फुल पावर बोल, सारे लगे अपनी दही जमाने में दुनिया ये सारी माँ का जोड़। इट्स अनदर फैक्ट दैट दे मिस देम ऑल because of the pressure of our counter action by the air force, but the kind of statements that it is fair game for the Pakistan army to hit the Indian army in retaliation for an attack on the Jaish-e-Mohammed, it is fair game, it doesn't matter. Oh, army men get killed, who cares? Who cares? We bloody well care, okay? And we will take revenge for every boy that even gets us over. General Bakshi, that's the worry. For every boy you don't that you care, inject people get with killed. Sodium pentothal. Your political interest, that's the point. पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। You want Jammu and Kashmir from the people? Come and get it. We just want. Let's see you get it. People of Kashmir should. You can forget about it. Shukran Singh. अरे साहब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। Simple. आपके लगातार चिल्लाने से कश्मीर आपको मिल नहीं जाएगा। आपके लगातार चिल्लाने से आपको कश्मीर नहीं मिलने वाला। आपको लेना है, आप आके लेके दिखा दीजिए। लेट पीपल ऑफ कश्मीर एंड गेट इट, दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग यू। यू हैव द दम, कम एंड गेट कश्मीर। मैं तेरी माँ चोद दूंगा। लेकिन हम पाकिस्तानी आर्मी की तरह इंडियन डेमोक्रेसी में नहीं इंटरफेयर कर सकते। क्या बात कर रहे हैं? प्लीज प्लीज संभाल के, प्लीज इंडियन आर्मी, प्लीज हद पार मत कीजिए। आप अपनी सेना को पाकिस्तानी की सेना के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। गिरी बख्शी कहते हैं जैसे आर्मी के लिए आप ये क्या मतलब है? मत कीजिए, कतई मत कीजिए, तैयार नहीं, कतई मत कीजिए, हमको ये सुनने को तैयार नहीं। वाट मिलता है उसे वाट को मिलता रहता है। एक्सक्यूज मी, दिस इज द लिमिट। एक आदमी सड़क का गुंडा बोलता है, दूसरा शट अप कॉल देने लगता है, और आप पाकिस्तान की फौज के साथ मिला रहे हैं। उनके साथ कोई समझौते का स्कोप ही नहीं रह गया। 15-16 जून के बाद कहने सुनने को रह का गया साहब। कब करो युद्ध? करो से करो पूरा जो हमारा। अरे युद्ध कब करो? वही तो हम पूछ रहे हैं। मैं जवाब दे अबे युद्ध करो, बदतमीज भाई, जवाब। 37 साल फौज में झक नहीं मारी थी? मैंने कहा था ना भाई, बोलते तो लगा माननीय रक्षा मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं, हम रिटायर्ड हैं, वी आर नॉट टायर्ड, हम थके नहीं हैं। आप आदेश दीजिए, जिस भी युद्ध में हमारी जरूरत है हम जाएंगे, हम फिर लड़ने को तैयार हैं, फिर लड़ने को आते रहे। हमें बड़ी बड़ी उम्मीद बनी है जब से आप रक्षा मंत्री बने हैं कि अब हमारे देश के दुश्मनों का सफाया होगा, सफाया होगा। पाकिस्तान को उसकी औकात समझा दी गई थी बालाकोट में, लेकिन एक ये दिल मांगे मोर। बहुत मोटा।
एज ए डिप्लोमेट मैं पूछता हूँ, क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान को जो बालाकोट में हुआ, अरे आप सुनिए चुपचाप, आपके जैसे कबूतर उड़ाने वाले चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। हम बदला लेंगे अगर कुलभूषण के बाल भी बांटा हुआ। अरे मिस्टर बख्शी मत कर, आई एम जनरल बख्शी। अरे मिस्टर बख्शी मत कर, आई एम जनरल बख्शी। चलो होल्ड इधर से सारे, बात तो सुनो भाई, निकल यहाँ से कुत्ते, नहीं तो यही ठोक दूंगा तुझे सुअर। भाई भाई गलती हो गई, माफ कर देना। हेलो गाइस, पे जनरल बख्शी और ये चैनल डी के ऊपर ये वीडियो अपलोड हुई है, इसका नीचे लिंक दे दूंगा, आप इनके चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाई हुई थी यार, ये वीडियो कब शुरू हुई और एंड हुई मुझे तो पता भी नहीं चला, और बहुत ही ज़्यादा वाहियात किसी की गालियाँ दे रहे थे जनरल रिटायर्ड बख्शी साहब। और ये बख्शी साहब बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर ना, ये भी जो इंटरव्यू जो वीडियोज़ इन्होंने छोटी छोटी क्लिप्स निकाले हैं, ये बहुत सारे इंटरव्यूज़ के हैं, और यही होता है बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर उन्होंने इस तरह की चीज़ें की, वो इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो टीवी के ऊपर हैं, और वो इस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ कर लेते हैं, और पाकिस्तान के अगेंस्ट वो बहुत चढ़ चढ़ के बोलते हैं। दो बंदे हैं, गौरव आर्य और ये बख्शी साहब, ये दोनों के दोनों रिटायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उछल उछल के बोलते हैं। और तीसरे वो एंकर थे जो बोले थे पाकिस्तानी सेना से नहीं मिलाना आपने, उनका नाम मेरे ध्यान से निकल गया, वो भी पाकिस्तानी सेना से नहीं मिलाना। भाई अगर इतनी सेना आपको इतनी कमज़ोर, इतनी बेकार, इतनी लाचार लगती तो इतना डरते क्यों हो, इतनी बात क्यों करते हो उसके बारे में, ठीक है? और अगर डरते नहीं हो तो बात क्यों करते हो उसके बारे में, समझ ये नहीं आती। मतलब श्रीलंकन आर्मी के बारे में क्यों नहीं बातें करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मायने ही नहीं रखती ना, कोई मतलब उसके वो सेल्फलेस हेल्पलेस है बिल्कुल ही, ठीक है? पर जिसकी बात कर रहे हो और जिससे डर रहे हो तो कम से कम उसके बारे में चीज़ें तो हैं। और जब कंपैरिजन वीडियोस और ये सारी चीज़ें देखते हो तो आप लोग अंदाज़ा तो होता होगा ना चीज़ों का कि यार कुछ ना कुछ तो है। तो मेरा ये ख्याल है कि रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि भाई जंग में तो कुछ नहीं रखा, हाँ पीस में बहुत सारी चीज़ें, भले आप पीस अपना मेंटेन करके रखो, हम अपना मेंटेन करके रखें, और आप हमारे कामों में इंटरफेयर ना करो, हम आपके कामों में इंटरफेयर ना करें। बाकी रहा क्रिकेट खेलने का, इनको मतलब जनरल साहब को क्रिकेट की भी लगी हुई थी कि क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के बहाने ले आते हैं। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ होती है, और भले इंडिया और पाकिस्तान का स्पोर्ट्स क्रिकेट का मैच जब भी होता है बहुत लगा हुआ होता है, हॉकी का मैच होता है बड़ा लगा हुआ होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत व्यूवरशिप आती है, बहुत लोग देखना पसंद करते हैं इंडियन और क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट को और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को साथ खेलते देखना पसंद करना करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहाँ से जाती है तो वहाँ टेररिज्म फैलाती है, इंडियन टीम पाकिस्तान आती है तो वो टेररिज्म फैलाती है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत पॉजिटिव मैसेजेस फैलाते हैं, और ये पॉजिटिव मैसेजेस को ही रोकना चाहते हैं इस तरह के लोग जो कि इस तरह का नैरेटिव बिल्ड करते हैं आके कि वो तो हमारे दुश्मन है, ये तो हमारे दुश्मन है, फौज को बड़ा करो, फौज को और बड़ा करो, फौज को इतना बड़ा करो, और फौज के ऊपर खर्चा करो, और ये करो वो करो। अल्टीमेट फ़ायदा इन लोगों का ही है, जो कि समझदार लोग तो इन चीज़ों को समझते हैं और कंडेम भी करते हैं। बाकी आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आप लोग इस चीज़ को कंडेम करते हैं, आप चाहते हैं पीस हो, दोनों मुल्क मिल के रहें, या चलो मुल्क मिल के ना रहें, हमारा आपसे कोई ताल्लुक ना रहे, आपका हमसे कोई ताल्लुक ना रहे, आप अपनी जगह खुश रहो, हम अपनी जगह खुश रहें, और ये जो कश्मीर वाला मसला है भाई ये भी आज़ाद हो जाए और अपनी जगह पे अपनी अपने स्टेट बन जाए, और अपने हिसाब से वो सिंगल आज़ाद स्टेट बन जाए और काम करते रहे, ना भारत का इन्फ्लुएंस हो ना पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस हो, तो अपनी अपनी जगहों पर दोनों के दोनों खुश रहें, ये ज़्यादा बेहतर है, मेरा ऐसा सोचना है। तो आप लोगों का क्या सोच रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।